सिंधु बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज नौवां दिन है। कल सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी और कल फिर से बातचीत का दौर शुरू होगा, लेकिन इसी बीच बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उधर दूसरी तरफ पुलिस फोर्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से क्या स्थिति है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। एक तरफ जहां दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या चाहे वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तमाम जगहों से लगातार दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ रही है, तो एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। इस वक्त हम सिंघु बॉर्डर पर मौजूद हैं और कैमरामैन चाहेंगे आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि दिल्ली की सीमाओं पर अगर बात की जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं, BSF के जवान यहाँ पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके जवान, उसकी टुकड़ियाँ यहाँ पर तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ CISF के जवान यहाँ पर तैनात गए हैं। दिल्ली पुलिस की जो जवानों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है, उसके साथ साथ वज्र वाहन जो हैं वो बढ़ाए गए हैं, वाटर कैनन की संख्या बढ़ाई गई है, आंसू गोले जो हैं वो दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं वहाँ से पुलिस फोर्स जो बुलाई गई है, आंसू गैस के गोलों की जो संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिल्ली की सीमा है पीली बैरिकेडिंग से पहले, और उस तरफ किसान मौजूद है, तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का मानना है कि कुछ शरारती तत्वों के आने की जानकारी सरकार के पास आई है। ऐसे में किसी तरीके का कोई माहौल ना बिगड़े, कोई विरोध ज्यादा ना हो, ऐसे में एहतियात के तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है दिल्ली की सीमाओं पर की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF के जवानों की अगर बात की जाए, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो जहाँ वर्दी में यहाँ पर मौजूद है, तो सादे कपड़ों में भी उन्हें पब्लिक के बीच में, किसानों के बीच में रखा गया ताकि वो हर ऐसी खबर पर, इस तरह की बातों पर नजर रख सके। तो लगातार बढ़ती है सुरक्षा व्यवस्था है, बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग इस तरफ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, BSF है, CISF है, और उसके उस तरफ जो डंपर खड़े किए गए, डंपर के पीछे किसानों का विरोध प्रदर्शन, लगातार किसानों की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ रही है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर जो है पुलिस कर्मियों की संख्या, सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। हालांकि अभी तक चार दौर की वार्ता हो चुकी है जो कि विफल रही है। एक दिन बाद 5 तारीख को अगर बात की जाए पांचवें दौर की चर्चा होगी, जिसके बाद किसान हालांकि कहीं ना कहीं अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। आज भी लगातार ये बैठकें चल रही हैं और 4:30 बजे प्रेस वार्ता के माध्यम से भी जो किसान संगठनों के द्वारा आगामी रणनीति अपने सामने रखी जानी है, तो ऐसे में सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है। दिल्ली के सिंघु बॉर्डर से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़।